For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. कितना promising लग रहा है आपको trailer? बहुत ज़्यादा promising लग रहा है मुझे काफ़ी अच्छा लगा trailer. मुझे expect नहीं था कि like student of the year 2 होगी तो शायद वो इतनी अच्छी ना हो but really I like the trailer. I love the trailer is really amazing. Ananya is a complete surprise package and Tara Sutaria, oh my god, she croons well. She just sang Lag Ja Gale and that was amazing. Eagerly waiting, of course, Will Smith ka dance kaun nahi dekhna chahega in the song Radha. So, of course, I am eagerly waiting for the film and the trailer looks amazing. Trailer dekha jaye to it's good. Matlab, you can have expectations ki haan bhai Tiger hai and Ananya and Tara. No, the jodi or the trio is looking quite promising. Trailer काफी अच्छा था, जैसे first part था वैसे second part भी अच्छा लग रहा है trailer से फिलहाल तो. बाकी की film देखने के बाद पता चलेगा कि आखिर में actual में है क्या. The trailer was pretty awesome. We all liked it, and I hope all the people sitting inside the media and everyone liked it actually, because there was a lot of screaming and shouting and people are excited for the thing going on. I mean. The movie coming up. ट्रेलर इतना अमेजिंग था कि हम उसकी तारीफ कर करके थक चुके हैं. ऑलरेडी वी हैव डन अ लॉट ऑफ तारीफ बट येस ट्रेलर से बहुत एक्सपेक्टेशन है. एज यूजल टाइगर का परफॉर्मेंसेज एवरी ट्रेलर के साथ एवरी मूवी के साथ बढ़ते जा रहा है एंड ही इज आउटस्टैंडिंग. ही इज अमेजिंग एंड वी लव इट. अगर केमिस्ट्री की बात की है आपने तो मुझे दोनों की केमिस्ट्री अभी ट्रेलर में एज इक्वली लग रही है. बिकॉज जितना स्क्रीन स्पेस तारा को दिया गया उतना ही अनन्या को भी दिया गया. सो एज ऑफ नाउ ये कहना कि किसके साथ केमिस्ट्री अच्छी है इट विल बी टू अर्ली बट लेट्स सी आफ्टर अ मूवी किसकी केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगती है. फिलहाल तो जैसे कि हमने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में अनन्या के साथ में उनका कोई सीन नहीं दिखाया तो फिलहाल तो वो डारा के साथ में अच्छे लग रहे हैं. हाँ, फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि दोनों में से किसकी केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लग रही है. ये तो भी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो तारा है या तो वो अपने अनन्या, बट दोनों के साथ ही अच्छा लग रहा है. तीनों का केमिस्ट्री इस बार तो बहुत ज़्यादा मर्ज हुआ. लाइक मैंने पार्ट वन देखा है उसमें भी उन लोग ने डिफरेंट रोल्स लिया. इधर वापस करण जौहर ने नया कास्ट लिया तो अभी ये नया कास्ट को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. एंड टाइगर श्रॉफ प्लेइंग एज अ स्टूडेंट लाइक प्रीवियस मूवी से अभी डायरेक्टली स्टूडेंट्स में स्विच हो गए तो बहुत डिफरेंट है एंड मैं एक्साइटेड हूँ किधर ना किधर. एंड उनका स्टंट्स वगैरह के लिए जो नोन है बेसिकली एंड स्टूडेंट विद स्टंट्स एंड ऑल ग्रेट कॉम्बो. आई लाइक टू मोर विद अनन्या पांडे. उनकी लाइक एज अ कपल दे लुक वेरी लाइक तीखी मिर्ची टाइप्स सो आई रियली लव टू सी देम टुगेदर एंड आई होप दे एंड अप टुगेदर. अगर मैं बात करूँ पुरानी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की और न्यू स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो दोनों में से किस में से आपको ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि शायद ये ज़्यादा उससे हिट हो सकती है? देख के तो लग रहा है कि ज़्यादा हिट होगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो पार्ट वन था उसमें सारे न्यू कमर्स थे, वरुण न्यू कमर्स था, सिद्धार्थ, बट यहाँ पे टाइगर जो है वो ऑलरेडी एक नॉन फेस है इस और उसकी जो फॉन फॉलोइंग आई गेस आज के कंपेयर के हिसाब से तो इट्स अ ह्यूज तो उसका मुझे लग रहा है कि काफ़ी फिल्म को फ़ायदा होगा उस चीज़ का. सी आई डोंट थिंक वी शुड कंपेयर बिकॉज उन लोगों ने अपना अलग मैजिक क्रिएट किया एंड लेट्स सी व्हाट दे हैव इन देयर बैग एंड देन यू नो वी शुड कंपेयर कि कैसी थी फिल्म. मैं एक्चुअली बोलूँ मैं कंपेयर तो नहीं करूँगा पर पार्ट वन में ऐसा था कि जहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड वरुण धवन आलिया भट्ट के लिए लड़ रहे थे नाउ दे हैव दिस वन गाय इज बिटवीन टू गर्ल्स so he has to has it all. okay, अगर मैं बात करूँ गानों की तो of course remake किया गया है वापस से song को तो कितना ज़्यादा excited हैं आप songs के लिए? Obviously करण जौहर की मूवी है और गाने की बात ना हो तो दिस इज़ नॉट द पॉसिबल बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव सीन धर्मा के सारे गाने अच्छे होते हैं. हमेशा उनकी जो चॉइसेस होती है सॉन्ग्स को वो काफ़ी अच्छी होती है. शूट जो होती है वो हमेशा लार्जर देन लाइफ होती है जो कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो इस मूवी के भी जो सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी अच्छे शूट किए गए. येस सॉन्ग्स इस बार बहुत अच्छे लगे. ट्रेलर पूरी तरह से अच्छा लगा है. वी एक्चुअली सॉ द होल मूवी इन द लिटिल ट्रेलर बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अमेजिंग सॉन्ग्स एंड डांस अमेजिंग. बहुत अच्छा डांस किया उन्होंने. एक्साइटमेंट है? आई एम नॉट सेइंग एक्साइटमेंट नहीं है बट द थिंग इज कि आई एम एक्साइटेड मच मोर बिकॉज ऑफ टाइगर. बिकॉज टाइगर है तो एक अलग सा एक वो जो एक बोलते ना रॉनेस आई है मूवी में हद से ज़्यादा हो गई है. वी आर सो एक्साइटेड फॉर द मूवी दैट इज रिलीजिंग ऑन 10 May 2019. प्लीज गो टू द थिएटर्स एंड वॉच इट. अच्छा आपके पीछे टाइगर है तो उनको जाते जाते कोई मैसेज देना
टाइगर को क्या मैसेज हो, टाइगर टाइगर है ऑब्वियसली, जब भी जंगल में आता है, इंडस्ट्री में आता है तो ऑटोमेटिकली एक शेर एक रोर होता है. सो नाउ लेट्स सी कि ये स्टूडेंट कितना रोर करने वाला है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए. आई सेड वी लव यू ब्रदर, वी लव यू ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, यू आर लाइक प्रीटी ऑसम, इट्स नॉट इट्स यू एंड कंपेयर्ड विद एनीवन. I want to have a dance move with you, please. He's the most amazing actor. He's the most hardworking actor. And I'm just in love with him, totally. Love you, Tiger. Okay, so out of 5, stars? Out of 5, definitely I would like to give 3.5 stars. I would give 3.5. 3. 3. 4.5. Out of 5, 4.5.